इस तरफ से होकर। अरे मैडम उस दिन वो गोपी क्या कर रहे हैं? मैडम जी, मैडम जी ये देखिए क्या लिखा है, एक आदमी ने औरत पे किया अत्याचार, हाय, क्योंकि नहीं मिला था उसको आचार। एक आदमी ने औरत का दिल तोड़ा, औरत ने उसका सर फोड़ा। सही करा, दिल तोड़ने वाले आदमी को औरत ने खूब सही सजा दी। मैडम जी बुल्ले शाह ने कितना अच्छा लिखा है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार पर आदिल किसी का ना तोड़ो, जिसमें दिलबर रहता। वाह क्या बात कही है, मॉडर्न औरत के जज्बात सही है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ भाई सही बात है, ये वो मर्द तो बिन पेंदे के लोटे होते हैं, कड़ी पूंछ के बंदर। मारा बस लेना तो सबके गले में टायर बांध के अंदर डाल दो। और आप औरतें तो एकदम दूध की धुली होती हैं। आज इसकी कल उसकी पता नहीं किस किस की। सही कह रहे हैं सर आप, मेरे मोहल्ले में भी एक आदमी को उसकी बीवी बहुत मारती है सर, बहुत मारती है। कौन है, कहाँ पे रहता है? मेरे घर में ही रहता है सर। तेरे घर में? कैसा दिखता है? मेरे जैसा ही दिखता है सर। और उसकी बीवी? बिल्कुल इसकी बीवी की तरह। क्या मतलब? हाँ जी, इसकी बीवी ना इसको हर संडे मारती है। अरे संडे को ही क्यों? कि बाकी के दिन तो व्रत रखती है ना, मेरी अच्छी सेहत के लिए। सुना सुना आपने, ऐसी होती है आज की औरत। ज्यादा चौड़ा ना हो, अरे कभी कोई पति आया है अपनी पत्नी के खिलाफ रपट लिखाने? अरे शर्म के मारे नहीं आते होंगे, लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुनिए मिस चौटाला, एक दिन ऐसा आएगा जब एक पिटा हुआ पति अपनी बीवी के खिलाफ यहीं आएगा रिपोर्ट लिखवाने, समझिए आप, समझिए आप। मैडम, मैडम जी, कंट्रोल मैडम, कंट्रोल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। मैडम। मेरा नाम पप्पू पोपट है, मुझे ने बीवी मारती है। किसकी बीवी? मेरी बीवी मारती है, उसका नाम है ना बेबी है। वो रोज सुबह मुझे आधा घंटा मारती है और रात को 45 मिनट मारती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पीट पीट कर, प्लीज आप मुझे बचा। और दोपहर को? दोपहर को तो वो थक के सो जाती है ना। बस 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 मेरे लाल, अच्छा हुआ कि तुम हमारी शरण में आ गए, मैं तुम जैसे ही पिटे हुए पति का इंतजार कर रहा था। गोपी। हाँ जी जी। गोपी, इनका नाम है पप्पू पोपट, इन्हें इनकी बीवी जोर जोर से मारती है। हाथ से मारती है या डंडे से मारती है? अरे घूसों से मारती है, बाद में थक जाती है ना तो मुझे पलंग के नीचे बिठा देती है, वो खुद पलंग के ऊपर बैठती है, बाद में लातों से मारती है। बस बस भाई बस, मैं तुम्हारा डर डर नहीं सुन सकता, मैं तुम्हारे इस केस को खुद पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम मर्द हो सा, 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 सा। और आप मर्द हो। मर्द मर्द भाई बहन, भाई भाई हो गया ना यार। यार मैं तो इतने गुस्से में हूँ ना कि वो आदमी हमारे सामने आ जाए तो मैं उसका बैंड बजा दूँ। इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेंट लिखवा दिए, वो मेरी बीवी को अरेस्ट करके ही देंगे। नमस्ते मैडम। तेरा नाम क्या है? पप्पू पोपट। पप्पू पोपट? अरे तुम इस बेचारे मासूम को क्यों इतना पीट रहे हो? यो बेचारा मासूम दिखे तने, मासूम दिखे यो? अरे यो दुराचारी पापी आदमी अपनी पत्नी ने पीटता है यो। नहीं क्या बात कर रही हो चंद्रमुखी तुम, ये बेचारा तो अपनी बीवी से खुद पिटता है। मैं इस वक्त इसकी बीवी को जाके अरेस्ट करने वाला हूँ। ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेगा तू मारे जीते जी? बेटा गुलगुले, इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर डाल दे। जी मैडम। गुलगुले तुमने इसे छुआ भी ना मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। गुलगुले 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 सर।
सर मैडम प्लीज आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मैं एक हवलदार हूँ, कोई कठपुतली नहीं हूँ, ना चाहता ही जा रही। डरपोक कायर। गोपी बेटा, गोपी बेटा इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर कर दे। सॉरी मैडम, सारी गलती उस औरत की है। मर्द जात छी। गोपी बेटा इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर कर दे। हाँ मैडम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बीवी को मारता है इसका सर फोड़ूंगी। गुड, वेरी गुड। गुलगुले अभी जाके इसकी बीवी को यहाँ अरेस्ट करके ला। अब, लेकिन सर एक औरत को अरेस्ट करने के लिए एक औरत कांस्टेबल चाहिए ना। अच्छा ठीक है ओकी, जा जाके इसकी बीवी को अरेस्ट करके लाओ। नहीं सर, औरत हूँ, औरत को दगा नहीं दूंगी, औरत पैर की जूती नहीं, ये सबको दिखा दूंगी। ठीक है ठीक है। गुलगुले तेरे दिमाग में कोई आइडिया क्या इस वक्त? नहीं सर, आइडिया तो आ रहा है लेकिन है मैडम का। मारा आइडिया जो तूने किसी को भी दिया ना। अरे नहीं चाहिए तो ना सड़ा आइडिया। चल हट। गोपी तेरे दिमाग में आइडिया क्या? सर अगर मैं औरत होता उसे जरूर पकड़ के लाता। तो ठीक है, तुम औरत बन जाओ। सर अबे यार ये मेरे कैबिन में पिल्ले की रोने की आवाज कहां से आ रही है? मोंटू मोंटू सर, मैं रो रहा हूं सर। इसे रोना कहते हैं? क्यों रो रहे हो? आपसे एक दरख्वास्त करनी थी सर। बिना थूके करो। सॉरी सर, सर मैं बहुत ही सताया हुआ आदमी हूँ सर। पिछले 8 सालों से अपने बीवी के अत्याचार सहन कर रहा हूँ। तो भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा था क्या शादी करने के लिए? नहीं सर, बस मैं चाहता हूँ सर कि आप उस पप्पू की मदद करें सर, उसे अपने बीवी के चंगुल से बचाएं सर। एक मर्द होने का फर्ज निभाए सर, आप एक मर्द होने का फर्ज निभाए, एक मर्द होने का फर्ज निभाए सर, फर्ज निभाए सर। गुलगुले गुलगुले, अबे सो गया क्या गुलगुले? सॉरी सर, सर आप फर्ज निभाएंगे ना सर? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उस पप्पू पोपट की मदद पूरी तरह से करूंगा। सर आज मैं समझ गया सर कि आप बाल ब्रह्मचारी क्यों हैं। क्यों? क्योंकि आप औरत से नफरत करते हैं सर, नफरत, और आप औरत को पहचान चुके हैं, उसे जान चुके हैं सर। हाँ हाँ हाँ, मैं नफरत करता हूँ। आपके पास? हाँ, इस ड्रॉअर में। अच्छा। सर, सर, ये सर आपके ड्रॉअर से ये क्या? अरे यार ये मेरी मैगजीन नहीं है, किसने रखा है इसे यहाँ पे? किसने रखा है इसे यहाँ पे? सर नाम तो आपका ही है सर यहाँ। ये मैगजीन तो मेरी है भाई, मैंने कब कहा मेरी नहीं है? ये मैगजीन तो मेरी है लेकिन मैं लाया हूँ इसे तुम्हारे लिए। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि इस मैगजीन को खोलते ही तुम्हें देखूंगी ये डेंजरस डेंजर 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 भरा हुआ है इनमें, पता क्यों? इनको ध्यान से देखो, कितनी मस्त है, मतलब कितनी चुस्त, मेरा मतलब है कितनी डेंजरस लेडीज है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द एनिमी। ये तो बहुत ही डेंजर है सर। हाँ बहुत डेंजर सर, ये टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं सर बाथरूम में जाके आराम से देखता हूँ। हाँ हाँ प्लीज आराम से आराम से आराम से। बाल बाल बच गया ब्रह्मचारी। बहुत अच्छे गोपी बहन, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने किया क्या है सर? किया क्या? अच्छा अपने पति को पीट पीट के उसका भरता मना दिया और मेरे से पूछती किया क्या? मैं तुम औरतों का जुल्म मर्दों में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ले जाके बंद कर दे इसको लॉकअप में। ए यो थारा घर ना आए, हमारी चौकी है। चल छोड़ दे इसने, छोड़ दे। छोड़ दूं? चलो छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले तुम पप्पू को छोड़ो। वैसे भी कितना पिट चुका अपनी बीवी से। कोई भी बीवी अपने पति को ना पीट सके, बल्कि यो तो दुनिया जानती है कि पति अत्याचारी होता है जो अपनी पत्नी को पीटे है। अच्छा गोपी जरा बताना अपनी मैडम को कि औरतें कितनी निर्दयी और कठोर होती हैं। औरत दया की मूर्ति होती है। अबे चुप कर, तू भूल गया कि तू मर्द है? सॉरी सर, औरत का जब से गैडो लेना कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब तुम औरत नहीं मर्द हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? अरे बच्चों का नाटक बंद करो, जाके बंद कर दे इसको लॉकर में। एंड यू चौटाला, मैंने यहाँ पे पूरी मीडिया बुला रखी है और मैं दुनिया में घोषित कर दूंगा कि औरतों का असली रूप क्या है, समझे? नहीं करूंगा, मेरा हाथ दुख रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या?
सर एक कॉन्फिडेंशियल बात है, कान में करने वाली बात है। कान साफ करने के लिए किसने कहा है? चौटाला ने उस औरत के लिए होटल से खाना मंगवाया। यस सर, और अपनी पार्टी मतलब पति भूख से तड़प रहा है। ठूस तो खाना उसके मुंह के अंदर, 5-star होटल से खाना आएगा अपनी पार्टी के लिए। हाँ यार गोपी, मेरे को एक बात बताओ, हम कोर्ट में इस बंदे का केस कैसे स्ट्रॉन्ग करें यार? डोंट वरी सर, हम कोर्ट में जज के सामने ये प्रूव कर देंगे पत्नी ने पति को कुत्ते की तरह पीटा है। अबे इतना कहाँ पीटा है यार, हम पीटेंगे ना सर, ये नाचीज कब काम आएगा। अरे वाह गोपी, ना तुम भी बड़े हीरो निकले यार, तो लग जा धंधे में। ओके सर, जोर से लगाना। मर्दों की इज्जत का सवाल है चौटाला। मारो मारो अंकल, इस मोटे को और मारो। शट अप अंकल, नहीं बोलना। अरे आप मुझे क्यों इतना पीटने वाले साहब? अरे पहले से मैं मेरी बीवी से पीट चुका हूँ। अरे मैं तेरी भलाई के लिए तुझे पीट रहा हूँ। भलाई के लिए? हाँ, परसों जज साहब के सामने तुझे पेश करना ना, कोई चेहरे पे निशान तो नजर आना चाहिए, तभी हम केस जीतेंगे ना। बस तू ये फील कर मैं तेरी बीवी हूँ। छी, इससे तो बेटर मैं हूँ। अरे जा रे जा, तुझसे तो बेटर ये हवलदार साहब है। मारो मारो डार्लिंग, आप मुझे मारो। डार्लिंग? तूने मुझे डार्लिंग कहा? क्यों, अभी तो आपने कहा ना कि आप मेरी बीवी हो। ओ अजी सुनते हो, बोलो। गोपी तुम इसे मार क्यों रहे हो? अरे जैसा आपके सामने पेश करना ना इसको, कोई चेहरे पे निशान चाहिए नहीं चाहिए। और इसने जो अपनी बीवी को मारा वो? अरे कहाँ मारा है, देख चेहरे पे एक भी निशान नहीं है। कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ मैं अभी निशान बना देती हूँ, रुको मैं डंडा लेके आ रही हूँ, तुम यही रुको। डंडा नहीं, प्लीज तो सुनो। डार्लिंग डार्लिंग लगता है थक गई हो, जरा पानी पी लो। पप्पू चल चल, पप्पू आजा बेटा आजा बेटा। नहीं नहीं मुझसे नहीं चला जा रहा है बाबू। नहीं कितना मारा मेरे को है। अरे केस जीतना नहीं जीतना। नहीं क्या? नहीं जीतना। पप्पू बेटा बेटा पप्पू पप्पू अपने अपने लिए मारा तुझे, तेरे लिए मारा ना। केस तू जीतेगा ना पप्पू, तेरा भला होगा ना पप्पू, तो मार खाना। पप्पू ये ऐसे नहीं उठने वाला। कितना चैट गुली की मैन, गुली की चैट, 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 चैट गुली की। ये देख रही हैं आप? कितनी बेरहमी से पिटाई है अपनी पत्नी से, देखिए इसके निशान। कोकी, ओ बेटा कोकी, ये औरत पे जो अत्याचार हुए हैं वो तन्ने नजर ना आ रहे। ये किसने पीटा इन्हें? ये पिटी भी लगती है आपको? मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लगता है नहा के आई है। बेटा कोकी तूने इसके चेहरे पे निशान ना बनाए। मैडम मैंने इसे मारा कस कस, ये बोली बस बस। अरे इसने बोला बस और तू चढ़ गई? अरे बेटा ये औरतों की इज्जत का सवाल है, जब तक इसके चेहरे पे निशान ना होंगे हम केस ना जीत पाएंगे। अरे बेबी तू टेंशन ना ले, हारी पिटाई मैं करूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी कर लें लेकिन हमसे ज्यादा निशान नहीं बना पाएंगी आप, ले जाओ इसको सेकंड राउंड के लिए। कितना मारोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे कितने निशान बनाओगे? जब तक तेरा नाम और निशान नहीं मिट जाए समझे, ले जा इसको। चल आजा पप्पू। बेटा कोकी चल तू भी इसने अंदर लेके जा, उसके गले में टायर पिना के रेडी रख। मैं नहीं 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 बस पप्पू ने हाथ जोड़ दिया और मत मारो, लेके जा लेके जा। इतना तो मेरे पति ने मीठा ही मारा होगा। अरे तू कितना भी जोर लगा ले, जीत हम औरतों की होगी। कुछ भी कर लो, कोर्ट में फैसला मर्दों के हक में ही आएगा। चल हट। दर्द हो रहा है। अबे चुप। अबे ओ मोटे रो क्यों रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे बेबी
दर्द इन जख्मों पे नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे दिल में। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ बेबी कि यहाँ आने से पहले हम लोग कितने सुखी थे। इन लोगों की मार खाकर मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम जो मुझे मारती थी ना उसमें भी तुम्हारा प्यार छिपा हुआ था। पप्पू, पप्पू तुम ऐसे मत बोलो, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो रहा है, मैं ही तुम्हारे साथ झगड़ा करती थी। पप्पू मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं बेबी, हाथ लगाना लेकिन हाथ उठाना मत। हाँ, I mean that only. बेबी, I love you, baby darling. I love you too, पप्पू darling. अरे लेकिन बेबी, लव तो हम तब करेंगे ना जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सोचो, सोचो कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। दर्द हो रहा है। अबे हट, बाहर निकलने दे, मैं तेरी दर्द हो रहा है। मैडम चाय, मैडम चाय, मैडम चाय। अरे तो के डूब जाऊं उसमें, तैरूं? सिर्फ बता रहा हूँ मैडम। अरे तो दिख रहा है मन्ने, अंधी हूँ क्या मैं? ओके चिल चिल। अरे तेरी निकल। अरे तू बावड़ी हो गई है के? अरे तेरे पति ने पीट पीट के थालियां आग सुझा दी, ड्रामा मचा दिया और तू कह रही है कि एफआईआर वापस दे दो। कहां मारा मेरे पति ने? अब मैं तो बातों में फिसल के गिर गई थी, मैं अपनी एफआईआर वापस ले रही हूं। मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने कहा था ना अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, चैन की सांस लो एंड आराम करो। थैंक यू वेरी मच सर। आओ डार्लिंग, घर चले। एक मिनट, ये कहीं नहीं जाएंगी, इन पे तो अभी केस चलेगा तुम्हें पीटने का। कौन बोला? अरे तुम बोला। मैं कब बोला? अरे यार तुम भूल रहे हो कि तुम्ही ने तो एफआईआर लिखवाई थी कि इन्होंने तुम्हें पीटा है। हाँ वो तो मैंने वापिस ले ली। क्या, कब? गोपी। हाँ जी, आज इसने सुबह सुबह ही एफआईआर वापिस ली है। मजा आ गया भाई, देख थारी टेंशन तो पूरी सॉल्व होगी। इसने तो अपनी एफआईआर वापस ले ली है, पर तू कोई ना लियो, तन्ने तो मैं कोर्ट में केस जरूर जिताऊंगी। अरे भाई मुझे माफ करो, मुझे कोई केस जीतना वितना नहीं है। आई लव माई पति, आई लव माई पत्नी। चलो घर चले। क्यों, क्यों, आप लोग ताली क्यों बजा रहे हो? यो तालियां हमारे लिए बज रही हैं। क्या मतलब? हमने तुम्हें जानबूझकर मारा ताकि तुम सुधर जाओ और कभी एक दूसरे पे हाथ ना उठाओ। अरे हमारी श्रीदेवी, तू क्यों चुप खड़ी है? कुछ अपनी राइमिंग स्टाइल में बोल तो मजा आ जाए। ये आइडिया था मेरी मैडम का, जो मुझे बुलाती हैं श्रीदेवी और खुद है प्यार की देवी। श्रीदेवी, प्यार की देवी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने हमारा शादीशुदा जीवन बचा लिया। हम लोग ने रास्ता भटक गए थे, कोल्हापुर सातारा सांगली पहुंच गए थे, आज हम लोग बम्बई पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो डार्लिंग घर चलते, ऑटो में। टैक्सी से? ऑटो, टैक्सी बोला ना। शादी का बंधन ये। वैसे मिस्टर डाला, मैं आपसे आज काफी प्रभावित हूँ कि आपने उन दोनों का उजड़ा हुआ घर एक बार फिर बसा दिया। अरे उनका उजड़ा घर तो बस गया, हमारा कब बसेगा? अरे भूल जाइए, ये बंदा कभी नहीं फंसेगा।